हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब माय चैनल आर के हेल्थ एंड मेडिसिन। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मैं आपका चिर प्रत्यक्ष दोस्त राकेश कुमार आपके लिए एक हेल्दी टॉपिक पर वीडियो लेकर फिर से उपस्थित हुआ हूँ। और आज मैं आपके लिए एक सिरप का रिव्यू करूँगा जो कि पतंजलि कंपनी का है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए उस सिरप के बारे में बताऊंगा जिसके बहुत ही ज़्यादा सारे बेनिफिट्स हैं। दोस्तों, ये सिरप को पीने से बहुत ही स्टेमिना, एनर्जी और कई बीमारियों से निदान मिलता है। तो चलिए दोस्तों, मैं उस सिरप का नाम बता देता हूँ आपके लिए, वो है सारस्वता रिष्ट। तो सारस्वता रिष्ट के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो पर। और दोस्तों, आपसे निवेदन है कि जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए बकवास ना करते हुए चलते हैं हम सीधे अपनी वीडियो पर। सारस्वता रिष्ट एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन सिरप है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो दोस्तों, ये सिरप बहुत ही अच्छा कारगर औषधि है जो कि आयुर्वेदिक है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा इस औषधि को किस डिजीज़ में यूज करना चाहिए, किन किन बीमारियों के लिए ये सीरप बना है। तो दोस्तों, ये सीरप मिर्गी के दौड़े, किसी को एपिलेप्सिस की बीमारी हो, किसी को दौड़ा आता हो, तो वो इसका यूज कर सकता है। उसके लिए आप इसका सेवन करवा सकते हैं। और जिसका स्टेमिना कम हो, सेक्सुअल डिसऑर्डर हो, उसके लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। जिनके शुक्राणु नहीं बनते हैं या जिनको सेक्स संबंधी समस्या है, शुक्राणु निल हैं, तो वो भी इसका यूज कर सकते हैं। उससे उनका सेक्स टाइमिंग इंक्रीज होगा इस सिरप को पीने से। और दोस्तों, इस सिरप को पीने से ब्रेन की जितनी सारी कमजोरी है सभी दूर हो जाएंगी। दोस्तों, ब्रेन डिसऑर्डर के लिए ये सिरप बहुत ही उपयोगी कारगर है। किसी को मानसिक थकान, चिंता, कमजोरी, भूख ना लगना, भय, डर लगना आदि जो भी समस्याएं हैं ब्रेन से संबंधित, वो सारी इस सिरप को पीने से ठीक हो जाएंगी। तो दोस्तों, आपको इसको लेना कितना है, चलिए मैं बताता हूँ। आपको इसको खाना खाने के बाद 10 से 15 ml पानी में, 10 से 15 ml आपको दवाई को एक गिलास में डालना है। और उसमें करीब 30 से 40 ml पानी डालना है। और दोनों को मिलाकर, पानी को और 15 ml दवा को मिलाकर, 10 से 15 ml दवाई को मिलाकर उसको ले लेना है दोस्तों। तो दोस्तों, इसको आप खाने के बाद सुबह ले सकते हैं नाश्ते के बाद। और अगर आपको ज़्यादा समस्या है, बीमारी का मतलब जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, तो आप सुबह और शाम दोनों टाइम ले सकते हैं। और बाकी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, एक बार परामर्श करें, उसकी आवश्यकता के अनुसार इसको ले सकते हैं अगर आपको डॉक्टर बोलता है तो। और अगर आप नॉर्मली लेना चाहते हैं कमजोरी के लिए, तो भी इस सीरप को ले सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपके लिए सारस्वता रिष्ट सीरप के बारे में बताया। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।